गुड मॉर्निंग बेगम। गुड मॉर्निंग। अरे अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अगर नहीं छोड़ा तो? नहीं छोड़ा तो सब्जी जल जाएगी। इसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि आज से खाना हम बनाएंगे। अच्छा जी। वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये काम मर्दों का नहीं होता। अच्छा फिर एक बात बताइए, क्या रेस्टोरेंट में औरतें ही खाना बनाती हैं? ओके बाबा फिर कभी बना लेना, आज मुझे बनाने दो। आज इतवार है, ऑफिस तो जाना नहीं, तो फिर क्यों ना आज से इब्तिदा कीजिए। तो ठीक है बनाइए लीजिए। वैसे अगर आप अपना ये फैसला थोड़ा सा पहले सुना देते ना तो बेहतर होता। क्यों? मैं आराम से 10 बजे तक सोती रहती। तो फिर ठीक है, अब से हर इतवार को सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच सिर्फ और सिर्फ हम बनाएंगे और अपने इस खूबसूरत सी बेगम को बेड में ही ब्रेकफास्ट पेश करेंगे। ओके ओके अब आप जाइए और आराम कीजिए, जाइए। वैसे मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। क्यों? अगर मैं चली गई तो आपको खाना बनाते हुए देखने का लुत्फ कैसे उठाऊंगी? अच्छा तो ठीक है फिर आप यहीं खड़े रहिए। जला लिया ना, मना किया था ना आपसे, आपका काम नहीं है। अरे बेगम इतने नाराज मत होइए, बस हल्का सा तो जला है। आप ना मेरी कभी भी नहीं सुनते हो, मना कर रही हूँ आपका काम नहीं है, लेकिन आप मेरी ना कभी नहीं सुनोगे। वो कितना ज्यादा जला लिया सच में। शायद अगर मैं आपको छोड़ के थोड़े दिनों के लिए कहीं चली गई ना बाहर तो पता नहीं आपका क्या होगा। आउच। अगर हम आपको कहीं जाने दें तब ना। तुमने अगर मुझे धोखा ही देना था फिरोजा तो मेरी जिंदगी में आई क्यों, मुझसे निकाह क्यों किया? हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी कौन बोल रहे हैं? या अल्लाह घर से बाहर निकलते ही मेरी आवाज तक भूल गए। ओह बेगम काम में मसरूफ था, सॉरी। अब हम आपसे नाराज हैं। ओह हमारी बेगम नाराज हैं, तो बताइए ये गुलाम ऐसा क्या करे कि हमारी बेगम खुश हो जाए। ठीक है तो हम आपसे जितनी मोहब्बत करते हैं वैसा ही तोहफा लाकर देना होगा आपको हमें। ठीक है तो हम शाम को आते बार आपके लिए एक मिर्ची का डब्बा लेते आएंगे। क्या चाहिए? हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम फोन रख रहे हैं। अरे बेगम नाराज मत होइए, हमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप रही मसरूफ अपने काम में। अच्छा छोड़िए ये बताइए कि आपने ये फोन किस मुतालिक किया था? ठीक है हम उनको फोन करते हैं। ठीक है तो हम फोन रखते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
हेलो साहब जी, फरमाइए। अरे पहचाना नहीं, तौफीक बोल रहा हूँ। अरे तौफीक, कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ दोस्त, तू कैसा है? मैं भी बस ठीक ही हूँ। ठीक है तो फिर तेरी आवाज में इतनी संजीदगी क्यों है? बस ऐसी भाई, मुझे तो नहीं मालूम था ना कि ये तेरा फोन है। अच्छा एक बात बता, जब से तू दिल्ली गया तूने तो फोन करना ही छोड़ दिया। हाँ यार, वो दिल्ली में भागदौड़ ऐसी थी और तू तो जानते ही कि रजिया भी दिल्ली की रहने वाली है, तो अपने लिए भी फुर्सत नहीं मिलती थी। नहीं मिलती थी? क्या मतलब, अब तुम दिल्ली में नहीं हो? नहीं दोस्त। फिर कहाँ हो आजकल? जनाब इस वक्त मैं और रजिया कश्मीर की फिजा का लुत्फ ले रहे हैं। अच्छा कब आए श्रीनगर? यार हुआ यूँ कि पिछले हफ्ते मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली से श्रीनगर हो गया और अगले दिन मैंने ज्वाइन भी कर लिया, फिर 2-4 दिन लग गए सेटल होने में। अच्छा सुन, आज हम शाम को तेरे घर आएंगे और डिनर भी वहीं करेंगे, ठीक है ना? ओके बाय। बाय बाय। शाम को रजिया और तौफीक आ रहे हैं घर पर। अगर उन्होंने पूछा कि फिरोजा कहाँ है तो क्या जवाब दूंगा उनको? आखिर फिरोजा से मेरी पहली मुलाकात इन्हीं लोगों के घर पे तो हुई थी। कितना अजब इत्तेफाक था उस दिन। हेलो शाहिद मियां, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तौफीक मियां, कैसे हैं आप? कल शाम को आ रहे हो ना? अरे 100%, ये भी कोई पूछने की बात है भाई? हमारा दोस्त शादी के बाद पहली बार हमें दावत दे रहा है। मैंने तो बस ये बताने के लिए फोन किया था कि कम से कम कल टाइम पर आ जाना। कम से कम? मैं समझा नहीं। अरे भाई पुरानी आदत है तुम्हारी, आसानी से थोड़ी ना जाएगी। तू घड़ी देखते रहना, ठीक 7 बजे तेरे घर पे मिलूंगा। कम से कम पहली बार मिलूंगा ना भाभी जान से, तो पहली बार लेट लतीफ का तमगा ना मिले मुझे उनसे। अच्छा बच्चू, इंप्रेशन जमाना चाहते हो? नहीं यार, इंप्रेशन छिपाना चाहता हूँ। पहली बार का इंप्रेशन है ना बहुत देर तक याद रहता है। अरे शेख चिल्ली, ये तेरा इंप्रेशन जो है ना 4 दिन में नहीं चलेगा। क्यों? पुरानी आदत है भाई, आसानी से थोड़ी ना जाएगी। आदत चाहे पुरानी है, अरे भाभी जान तो नहीं है, उन्हें क्या पता। अच्छा भाभी से भाभी जान हो गया, वाह। अरे बात तो एक ही है ना, वो मेरी भाभी है और तेरी जान, तो हुई ना भाभी जान। चलो फिर टाइम पर आ जाना, ठीक है? तो ठीक है तौफीक मियां, मिलते हैं कल शाम को ठीक 7 बजे। बाय। साढ़े 7 बज रहे हैं और आपने कहा था कि आपके दोस्त 7 बजे तक आ जाएंगे। कहा तो उसने ही था, क्या? तो आ जाएंगे। शुक्र है। शुक्र क्यों का? सिर्फ आधा घंटा लेट है इसलिए। In fact, you know what? He's a hardcore latecomer. Really? ये कॉलेज का बॉक्सिंग चैंपियन था और ये रिंग में भी लेट हो जाता था। And he was so popular in girl, लेकिन था लेट लेते। इसकी आदत कभी नहीं। बड़ी जल्दी बता दिया आपने। मुझे लगा आज तो टाइम पे आ जाए कम से। अब जाके दरवाजा खोलो, नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ पीछे लॉन में बैठे हैं। जाओ। Come on, go. जाओ ना। आओ आओ ना। I'm so sorry यार, दरवाजा खोलने में थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। शुरू शुरू में शादी के बाद अक्सर ऐसा ही हो जाता है। अरे वाह, डेकोरेशन तो बहुत अच्छी की हुई है, क्या बात है? कोई स्पेशल ओकेजन है क्या आज? हाँ हमारे एक दोस्त आ रहे थे। आ रहे थे क्या मतलब? 7 बजे बोला था, अभी टाइम देखो घड़ी, क्या हुआ? कोई बात नहीं, कभी कभी देर हो जाती है। कभी कभी तो नहीं होती उसके केस में। अस्सलाम वालेकुम। अरे अब कौन है भाई? आ जाओ पुलों से बाहर, तो आ जाओ। अमा हम हैं शाहिद। बच गए साहब।
भाभी आपको इस लेट लतीफ का आदाब। आदाब। वैसे मेरा नाम शाहिद है। गुस्ताखी माओ भाभी, दरअसल ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई और जैसी मैं ऑफिस से निकला अचानक मुझे याद आया कि फूल लेता चलो। हाँ बिल्कुल, तुम्हें कैसे पता चला? ये बुके घर पे बनाए गए तूने? हाँ राइट। अब तुम कहोगे कि ये ब्रोच भी मैंने घर पर बनाया। भाभी जी आपके लिए एक छोटा सा नजराना। शाहिद भाई ये फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत थी? भाभी इसमें फॉर्मेलिटी की क्या बात है, मैं पहली दफा अपनी भाभी जान से मुलाकात करने आया हूँ तो क्या खाली हाथ चला आता? थैंक यू। हो गई बटरिंग शुरू? ये सब तो ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कैसे मिजाज हैं आपके? एकदम दुरुस्त। वैसे ये है मेरी दोस्त फिरोजा, मेरी बचपन की सहेली, और फिरोजा ये है शाहिद। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और अफसोस भी। अफसोस? अफसोस क्यों? अफसोस इस बात का कि मिलने से पहले ही मेरा इम्प्रेशन जो खराब हो गया। आप इम्प्रेशन की फिक्र ना करें, अगर आप लेट हैं तो हम भी यहाँ बिन बुलाए मेहमान हैं। कम ऑन, आप दोनों बातें कीजिए, मैं किचन देखकर आती हूँ। हाँ मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। फिक्र मत कीजिए, तौफीक मियाँ दो दो मुर्गे लाए हैं। वाह वंडरफुल। बेगम मैं भी आता हूँ। हाँ चलो। वैसे आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज कुछ खास नहीं, म्यूजिक, रीडिंग, हॉर्स राइडिंग, एंड आई लव टू प्ले बैडमिंटन। ट्रैवलिंग का बहुत शौक है मुझे, घर की चार दीवारी में कैद होकर नहीं रह सकती मैं। भाई घूमने का शौक तो मुझे भी बहुत है। वैसे कहाँ कहाँ घूमी है? यूरोप ऑलमोस्ट पूरा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, थोड़ा सा मिडिल ईस्ट। वेरी नाइस, आई लाइक इट। हौसला अफजाई का शुक्रिया, काश सब लोग आपकी तरह सोचते। गुड टू नो मिस्टर शाहिद कि आपकी थिंकिंग कंजर्वेटिव नहीं है। अच्छा फिरोजा एक बात बताओ, कि अब तुम लंदन वापस जाओगे या फिर इंडिया में रहकर इंडिया की खूबसूरती बढ़ाओगी? नहीं अब यही रहूंगी। यू मीन यही? वहां मैं रिजाइन करके आई हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा फिरोजा ये बताओ कि अब आगे क्या करने का इरादा है? एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, लेट्स सी। हाँ अगर मनपसंद जॉब मिल जाए तो फिर इससे बेहतर क्या हो सकता है। अब आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? मैं लोगों के बीच की दूरियां मिटाता हूँ। मैं एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में मैनेजर हूँ। ओके, बातें बहुत दिलचस्प करते हैं आप। ये बातें शादे बंद करो, रजिया ने चिकन लबाबदार बनाया जो तुम्हारा मन पसंद है। अब उठो और जल्दी से डिनर टेबल पे आओ, साथ में खाते हैं। अरे भाई हम चारों ही तो हैं खाने वाले, तो फिर यहीं खा लेते हैं ना। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। तो मैं काम करता हूँ, मैं रजिया को जाता हूँ। ठीक है ओके। सच रजिया खाना बहुत ही अच्छा बना था, खास तौर पर मुर्ग लबाबदार तो लाजवाब बना था। शुक्रिया। मेरे ख्याल से वो मुर्गे नहीं थे। मतलब? वो मुर्गियां थी। तुम्हें कैसे पता? पेट से आवाजें आ रही, पेट में जाकर भी बात करना बंद नहीं किया, इसका मतलब जरूर फीमेल थी। तो मुझे लगता है कि शाहिद भाई आपको जुलाब की जरूरत पड़ेगी। अरे नहीं भाभी आप मेरे पेट की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मेरे पेट में पहले से सैकड़ों मुर्गियां दफन हैं। शाहिद भाई मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? कि कयामत के रोज आपके पेट का क्या होगा? अरे बाप रे भाभी जान आपने सचमुच बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे असलियत में जुलाब की जरूरत है।
वैसे शाहिद साहब, आप शख्स बड़े दिलचस्प हैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ। फिरोजा रियली मुझे बहुत अच्छी लगी तेरी सरप्राइज विजिट। और मुझे भी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। I will follow फिरोजा। हाँ मुझे लगता है ठीक रहेगा, रात के 10 बज चुके हैं। हालात अब ठीक हैं, डरने की कोई बात नहीं है। तो ठीक है फिर कार्तिक ही सही। चलिए चलिए। एंड रजिया थैंक यू फॉर दिस लवली डिनर। माय प्लेजर। हे नो थैंक यू इन फ्रेंडशिप। गुड नाइट। प्लीज प्लीज। गुड नाइट। तो ठीक है अब हम फोन रखते हैं। ओके बाय। हेलो। हेलो शाहिद भाईजान, आदाब, कैसे हैं आप? अरे भाभी आप कैसे याद किया आपने? भाईजान हम कब से आपका फ़ोन ट्राई कर रहे हैं पर आपका फ़ोन बिजी पे बिजी जा रहा है। भाई किससे बातें कर रहे थे आप? भाभी वो मैं फिरोजा से बात कर रहा था। अच्छा जी आप हमारी दोस्त से बात कर रहे थे और हमें खबर तक नहीं। अरे भाभी भूल गए, उस रात उसे गाड़ी तक ड्रॉप करने मैं ही तो गया था। तो कार तक छोड़ने के बहाने आपने उससे उसका मोबाइल नंबर तक ले लिया? अरे भाभी आजकल किसी खूबसूरत लड़की से मिलने के बाद उसका नंबर ना मांगा जाए तो ये बैड मैनर्स माना जाता है। और बार बार ऐसा होने पर कोई भी लड़की डिप्रेशन में जा सकती है। अच्छा जी आपके मुताबिक किसी लड़की से उसका फोन नंबर लेना इसलिए जरूरी है कि कहीं बेचारी डिप्रेशन में ना चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझिए आप। अच्छा तो एक बात बताइए आपने आज तक कितनी लड़कियों का फोन नंबर लिया है? भाभी जान कसम से जिंदगी में पहली बार किसी का नंबर मांगा है मैंने। इन 5 दिनों में जब से आपने नंबर लिया है कितनी बार बातचीत हुई है? 3 बार बात और 1 बार चीत। एक बार चीत इसका मतलब? 3 बार फोन पर और 1 बार कॉफी पर। अच्छा जी तो बात कॉफी तक पहुंच गई। बस भाभी सिलसिला जारी है, वो कहते ना कि बात करते रहने से बात बनती है। शाहिद भाई आपको फिरोजा पसंद तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दिल लगी कर रहे हैं? भाभी सीरियस तो हूँ पर बात करने की हिम्मत नहीं होती मेरी। तो मेरी बात मानिए, हिम्मत करके उसे कह डालिए। फिरोजा मेरी दोस्त है, वो मुझसे अपनी हर बात शेयर करती है। भाभी जान समझ में नहीं आता कि कैसे बोलूं। अरे मिलकर और कैसे? अरे भाभी मिलकर बोलेंगे तो मेरी हिम्मत नहीं होती। तो फिर बैठे रहिए कुबारे, एक दिन उसके बच्चे आपको मामू मामू कहकर बुलाएंगे। अरे भाभी प्लीज ऐसा मत बोलिए। क्यों मामू, तो फिर कैसे बोलूं? ठीक है भाभी ठीक है, मैं फोन पर बात करने की कोशिश करता हूँ। पर आपकी जो भी बात हो फिरोजा से बताइएगा जरूर। ओके ओके बाय बाय। गुड मॉर्निंग फिरोजा। वेरी गुड मॉर्निंग शाहिद। मैंने बस यही पूछने के लिए तुम्हें दोबारा फोन किया कि तुम शाम को फ्री हो ना? हाँ। तो क्या फिर शाम को मिला जा सकता है? कोई खास बात? हाँ। किस बारे में? कुछ अपने बारे में,
और कुछ तुम्हारे बारे में, मेरा मतलब है तुम्हारे और अपने बारे में। Then speak. जाती मामलों में फोन पर बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं। मगर ऐसी बातें आमने सामने बैठकर करना ही ठीक रहेगा। शायद जब कोई सामने बैठकर बात करता है ना, तो जवाब दूसरे के एक्सप्रेशन से कलर्ड हो जाते हैं। फोन पर ज्यादा क्लियरली बात हो सकती है विदाउट इमोशन। शायद क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? कहीं मेरी बातों से तुम डीमोटिवेट तो नहीं हो गए? नहीं तो। मैंने तुमसे जो भी कहा ना, वो बहुत लॉजिकल है। फोन पर हम एक दूसरे के सामने अपना नजरिया, अपनी उम्मीदें बिना झिझक के रख सकते हैं। एक बात बताओ। पूछो। क्या तुमने अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एग्जाम ऑनलाइन दिया था? नहीं तो। पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? तो फिर तुम मेरा एग्जाम फोन लाइन पर क्यों ले रही हो? चलो ठीक है, शाम को मिलते हैं कॉफी पर, तभी बात करेंगे। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? फिरोजा, शायद तुम सही कह रही हो। जब तुम इतना साफ साफ सोचती हो, तो मुझे भी तुमसे साफ साफ कह देना चाहिए। फिरोजा, आई वॉन्ट टू मैरी यू। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मुझे अंदाजा था शायद कि तुम यही बात करने वाले। फिर तो तुमने जवाब भी सोच के रखा होगा कि तुम इसका जवाब हाँ में दोगी या फिर ना में। ना। क्या? लेकिन क्यों? मैंने तो बस यही सोचा था कि मेरी जिंदगी का ये फैसला अम्मी और अब्बू करेंगे, इसके लिए तुम्हें अम्मी अब्बू से बात करनी होगी। क्या हुआ शाहिद? कुछ नहीं। सॉरी मिस्टर शाहिद, आप फोन लाइन टेस्ट में फेल हो गए हैं। अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझते कि जब तक तुम आके मेरे अम्मी अब्बू से बात नहीं करोगे, तब तक उनका नजरिया मुझे कैसे पता चलेगा? किसी ने सच ही कहा कि कोई कितना भी समझदार क्यों ना हो, पर मोहब्बत में पागल ही होता है। बाय। सोहेल बार बार फोन क्यों कर रहा है? तुमने ऐसा क्यों किया फिरोजा? मुझे धोखा क्यों दिया? मेरे प्यार में कहां कमी रह गई थी फिरोजा, जो तुम मेरे जज्बातों के साथ खेल गई? नहीं करना चाहिए था फिरोजा। कैसे हो शाहिद बेटा? खुदा का फजल है अबू। आइए बैठिए। बेटा, तुम तो जानते ही हो कि फिरोजा हमारे इधर आ गई थी।
पहले तो उसने बताया ही नहीं कि वो तुमसे झगड़ा करके आई है, मगर हमें उसके बात करने के तरीके से शक हो गया था। मैं बेटा यहां पर इसलिए आया हूं कि मैं तुमसे गुजारिश कर सकूं कि तुमसे माफ कर देना, समझा देना। वो तो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती। बेटा मैं तुम दोनों के झगड़े के मुतालिक यहां कोई बात करने नहीं आया हूं। मैं तो बस अपने दिल की बात और अपने जज्बात बयान करने आया हूं। बेटा कल जब मैंने उसे समझाते हुए कहा, फिरोजा बेटे अगर शौहर से किसी बात पर दो राय हो जाए तो उसे आपस में बातचीत करके सुलझा लेना चाहिए, तो वो मेरी बात सुनते ही उठ खड़ी हुई। तो मैंने उससे कहा, बेटा तुम क्यों उठ गई? तो वो बोली, आपका लेक्चर जो शुरू हो गया है, आपका लेक्चर सुनते ही मेरे दिमाग के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मैं तो बेटा उससे ये कहना चाहता था कि एक शख्स जब अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेगा तो वो सीखेगा कैसे। खैर बेटा तुम बताओ कि तुम दोनों में क्या बात हो गई थी? बेहतर यही होगा अबू कि ये बात आप फिरोजा से पूछें। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। शाहिद बेटा हम बूढ़े तो अपना तजुर्बा बता सकते हैं, बाकी उससे मानना या ना मानना आप लोगों की मर्जी है। मगर बेटा एक बात याद रखना कि एक शख्स जब किसी दूसरे पे अपनी राय बना लेता है तो वो राय उसकी सोच उस पर काबिज हो जाती है और वो शख्स अपनी ही सोच का गुलाम बन जाता है। कुछ ऐसे ही अंग्रेजी में भी एक कहावत है ना, स्लेव ऑफ हिज ओन ओपिनियन, तब उसके फैसले उसका आजाद जहन नहीं उसका वो दिमाग करता है जो उसकी सोच पर हावी होता है। इस तरह से उसके फैसले उसकी सोच में रंगे होते हैं। इसलिए बेटा ऐसी सोच बनने से पहले ही झगड़े सुलझा लेने चाहिए। अबू मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी बात आप मुझे क्यों सुना रहे हैं। बेटा मैं तो वो कह रहा हूं जो 65 साल की जिंदगी में मैंने देखा, समझा और महसूस किया है। मेरे कहने का मतलब है कि जब झगड़े लंबे खिंच जाते हैं तो वो जड़ें बना लेते हैं, इसलिए बेटा उन्हें फौरन रोक देना चाहिए, फौरन सुलझा लेना चाहिए। अबू मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए मेहरबानी करके आप मुझे मेरे हालात पे छोड़ दीजिए, मुझे और अकल मत दीजिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा तुम सोचो भी मत कि आज का नौजवान किसी से अकल ले सकता है। बेटा मैं तुम्हें एक मजेदार किस्सा सुनाऊं। एक बार खुदा ने एक नौजवान से कहा, बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो। तो वो नौजवान बोला, मुझे बहुत अच्छी शक्ल चाहिए, मुझे लंबे बाल चाहिए, सेहत चाहिए, पैसा चाहिए, खूबसूरती चाहिए। खुदा ने उसे सब कुछ दे दिया और उससे पूछा, तुम्हें और कुछ चाहिए? तो वो नौजवान बोला, और कुछ यानी? तब खुदा ने कहा, और कुछ यानी
अक्ल, तो वो नौजवान हंसते हुए बोला, नहीं नहीं शुक्रिया अल्लाह मियां, मेरे पास तो वो बहुत है और है भी सबसे अच्छी। जब आज के नौजवानों को खुदा से अक्ल लेना दरकार नहीं, तो हम बूढ़ों की फिर क्या बात है। अच्छा बेटा, मैं चलता हूं, मगर बेटा एक बार फिरोजा की बाबत नरमी से सोचना, हो सकता है उससे कोई गलती हो गई हो। मुझे आज भी याद है, तुम ही से शादी करने की जिद में उसने 3 दिन तक कुछ भी खाया पिया नहीं था, क्योंकि उसे एतमाद था कि वो तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहेगी। पर अब पिछले 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। अबू, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने फिरोजा को नहीं छोड़ा है, बल्कि वो मुझे छोड़कर गई है। अब आप भी बराए मेहरबानी मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जादू के पास अब तेरा मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। जा, खुदा तुझे सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम अस्सलाम। भाभी, भाभी क्या बात है, फिरोजा नहीं नजर आ रही? कुछ नहीं, तो परेशान सा दिख रहे तू। कुछ अंदर चल बता तू। प्लीज अरे आप तो कह रहे थे कि रजिया भाभी भी आएंगे आपके साथ। यार उसे ऑफिस में थोड़ा काम था, आ जाएंगे भी थोड़ी देर में। ऑफिस में काम? क्या मतलब, मैं समझा नहीं कुछ। अरे तुम्हें मालूम नहीं, रजिया भी अब जॉब कर रही है। क्या भाभी जॉब कर रही है? अरे तौफीक, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि भाभी को जॉब करनी पड़ रही है? सब ठीक तो है? अरे कोई मुसीबत नहीं आई मेरे भाई, मतलब मुसीबत आने पर ही क्या लड़कियां जॉब कर सकती हैं? कोई एम्बिशन नहीं होता क्या उनका? हाँ हाँ होती है, जरूर होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि खाविंद के रहते हुए बीवी को नौकरी करनी पड़े। तू किस चश्मे से दुनिया देख रहा है यार, इतना पढ़ लिख कर भी तेरी ये सोच है, मुझे अफसोस है। क्या मतलब? खैर अब छोड़ इस बात को। अच्छा तू ये बता, भाभी कहीं गई हुई है क्या? नहीं। अरे तू फिर है कहाँ? क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ यार देख, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ ना, तो मुझे बता। फिरोजा ने ये घर छोड़ दिया और इस वक्त वो अपने अब्बू के घर पे है। कैसे हुआ ये सब? यार शुरू शुरू में तो सब ठीक था, मगर धीरे धीरे बात बिगड़ती गई।
तू मुझे सिलसिलेवार बता क्या हुआ। रजिया होगी, मैं खोलता हूँ, बैठ। आदाब भाईजान। क्या बात है, ऐसे उदास से क्यों बैठे? और भी मेरी दोस्त कहाँ है? फिरोजा, फिरोजा। रजिया, फिरोजा ने घर छोड़ दिया और अभी अपने अब्बू गए हैं। ये कैसे हुआ? शायद तू हमें शुरू से बता क्या हुआ, कैसे हुआ। जब फिरोजा से मेरी शादी हुई तो मुझे लगा कि जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई। हर वो खुशी जिसका मुझे इंतजार था मिल गई। फिरोजा भी मुझे बहुत खुश रखती थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी और हम दोनों बहुत खुश थे। मगर कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा कि मैंने एक बहुत ही एम्बिशियस लड़की से शादी कर ली। पहली दफा हादसा तब हुआ जब उस शाम को मैं ऑफिस से घर आया। फिरोजा, फिरोजा सो गई क्या? नहीं तो, आज काफी देर हो गई आने में। हाँ, एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, बस इसीलिए देर हो गई। मैं खाना लगा देती हूँ। अभी नहीं, तुमने खा लिया क्या? मुझे भूख नहीं है। क्यों ऐसे? क्या बात है फिरोजा, आज बहुत संजीदा सी हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है शायद। फिरोजा तुम्हें मेरी कसम, बताओ आखिर बात क्या है? शायद मैं काफी दिनों से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ पर कह नहीं पा रही। मुझसे नहीं कह पा रही तो फौरन कह डालो, बगैर सोचे समझे बेखटके चलो कहो। शायद आप तो ऑफिस चले जाते हो, आते भी लेट नाइट हो। तो फिर इसमें कौन सी नई बात है? अरे भाई जॉब में तो ये सब होता है। शायद, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है? आपके जाने के बाद सारा दिन इस बंद कमरे में मेरा क्या हाल होता होगा? फिरोजा, मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे में मुश्किल हालात हो सकते हैं, मगर ये सोचो जिसका खाविंद काम करता हो और जिसके खाविंद के माँ बाप भाई बहन साथ में नहीं रहते, उन्हें तो अकेला ही रहना पड़ता है ना। अरे भाई ये तो सबके साथ है। लेकिन शायद इस बंद चार दीवारी में बोर हो जाती हूँ मैं। तो फिर एक काम करो, देखो रीडिंग की तो तुम्हारी हॉबी है ही, तो कुछ नॉवेल्स ले आओ वो पढ़ा करो। शायद सुबह से लेकर रात तक क्या कोई रोज नॉवल पढ़ सकता है? तो ये बात तो तश्वीशनाक है। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि हमारी खूबसूरत सी बेगम की बोरियत और अकेलापन किस तरीके से दूर किया जाए, ये हमें सोचना पड़ेगा। आ गया आइडिया, अब हमारी बेगम की बोरियत और अकेलापन दोनों भाग जाएंगे और पूरा दिन मजे मजे में गुजर जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे? तुम्हें नहीं, इसके लिए हमें करना होगा। इतना स्टाइल मारकर क्या कहना चाहते हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुम्हें माँ बनना होगा, अम्मी बनना होगा। क्या? हाँ, अगर बच्चा हो गया तो देखो तुम्हारे दिन रात की बोरियत भी भाग जाएगी और हमारी बेगम का दिल भी तो लगा रहेगा। आर यू क्रेजी शायद? क्यों फिरोजा, मैंने ऐसा क्या कह दिया? अरे माँ बनना तो हर लड़की का ख्वाब होता है। तुम ठीक कह रहे हो शायद, लेकिन प्लीज अभी नहीं। जान सकता हूँ क्यों? शायद इसके लिए
अभी मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। ये तुम क्या बात कर रही हो फिरोजा? अरे ये बात माने कि कोई लड़की शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है, मगर शादी के बाद कोई लड़की माँ बनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। शायद मेरा कहने का मतलब था कि शादी के बाद दो एक साल ही तो होते हैं एंजॉय करने के लिए। चलो माना, मान ले तुम्हारी ये बात। अच्छा तुम ही बताओ कि तुम्हारी बोरियत और अकेलापन कैसे दूर किया जाए। भाई मैं जितने रास्ते बता सकता था मैंने तो बता दिए। शायद मैंने बहुत सोचा, इसका सिर्फ एक ही रास्ता। वो क्या? क्यों ना मैं जॉब कर लूं, इससे मेरी बोरियत भी दूर हो जाएगी और हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। क्यों, क्या कमी है कोई? क्या हमारा गुजारा ठीक से नहीं चल रहा? शायद जॉब तो बस मैं मसरूफ रहने के लिए करना चाहती हूँ, इनकम वाली बात तो यूं ही बोल दी। फिरोजा जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम नौकरी पर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? शायद अरे हंसेंगे हम पर। देखो फिरोजा, औरत की जिंदगी घर की चार दीवारी के अंदर महफूज होती है, बाहर की जिंदगी का तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। और हमारे खानदान में आज तक किसी भी औरत ने नौकरी नहीं की। शायद तुम ये भूल रहे हो कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लंदन रहकर आई हूँ, 4 साल मैंने वहां जॉब की है। अरे फिरोजा वो शादी से पहले की बात थी, मगर शादी के बाद नौकरी, लोग क्या सोचेंगे? मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रही कि तुम जॉब के इतना अगेंस्ट क्यों? बस मैं नहीं चाहता कि तुम नौकरी करो। क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं कर सकती मैं जॉब? मुझे अच्छे से मालूम है कि आजकल दफ्तरों में क्या क्या होता है। अच्छा तो मैं भी तो सुनूं, क्या होता है दफ्तरों में? जो भी होता हो, पर दफ्तर में नौकरी करना अच्छी लड़कियों के लिए ठीक बात नहीं है। तो क्या तुम भी वही करते हो दफ्तर में? हाँ, अगर तुम वो क्या क्या कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? हमारे ऑफिस में डिसिप्लिन है, सब लोग प्रोफेशनल हैं। शायद तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारे जैसे डिसिप्लिन ऑफिस दूसरे भी हो सकते हैं जहाँ का माहौल अच्छा होता है? मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। तो ठीक है, तुम मुझे अपने ऑफिस में लगवा दो। हमारे ऑफिस में कोई वैकेंसी नहीं है, अगर हो भी तो आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहता कि मियां बीबी एक ही छत के नीचे काम करें। यस, अब मैं समझी, इससे तुम्हारी आजादी में खलल जो पड़ जाएगा। जैसा कि अभी तुमने कहा ऑफिस में क्या क्या होता है। enough! Enough is enough! मैं इस बारे में कोई और बात नहीं करना चाहता, बस। तो ये तुम्हारे झगड़े की शुरुआत थी? झगड़े की शुरुआत तो नहीं, पर हां बुनियाद ये जरूर थी। फिर तो छोटी छोटी बातें अक्सर होती ही रहती थी। फिर क्या हुआ उसके बाद, मतलब ब्रेकअप कब हुआ? हालांकि फिरोजा ने उस वक्त मेरी बात मान तो ली, मगर उसके बाद वो बहुत ही खफा खफा और उदास सी रहने लगी। मैं भी जानबूझकर उसकी चुप्पी को इग्नोर किया करता था, मुझे डर था कहीं नौकरी करने की वो फिर से जिद ना पकड़ ले। फिर एक दिन इतवार के रोज मैं नहा रहा था, तभी बेल बजी। मैं जल्दी जल्दी नहाकर बाहर आया तो मैंने देखा कि बाहर अब्बू और फिरोजा आपस में बातें कर रहे थे, और मैंने चुपचाप उनकी बातें सुननी शुरू कर दी। कैसे हैं अब्बू आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं बेटा इसलिए आया था कि शाहिद का बर्थडे अब कुछ ही दिन दूर है, कोई काम हो तो बता देना। आपके लिए एक काम है वो। क्या? केटरिंग आपको करवा के देनी होगी। बिल्कुल, वो अपना फिरोज है ना, वो संभाल लेगा केटरिंग। थैंक यू अबू। बेटा शाहिद तुम्हारा ठीक से ख्याल तो रखता है ना? जी अबू, बहुत अच्छे हैं वो। पर बेटा मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बात है। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना?
अबू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बैठिए, मैं कॉफी लाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, तुम यहीं खड़ी रहो, यहीं खड़े रहो, कॉफी बाद में पीऊंगा। ठीक ठीक है। बेटे एक बात कहूं? कहिए ना। बेटे मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, तुम लंदन से पढ़कर आई हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हो। बेटा अपनी पढ़ाई को बेकार मत जाने दो, कहीं जॉब कर लो, इससे तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। जॉब? हाँ जॉब। मेरे ख्याल से घर बैठे रहने से तो अच्छा ही है कि किसी न किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। अपू शाहिद को मेरा जॉब करना पसंद नहीं। शाहिद को पसंद नहीं? क्यों? अपू शाहिद को लगता है कि औरतें सिर्फ घर में रहने के लिए होती हैं। उनकी सोच ऐसी होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतनी कंजर्वेटिव थिंकिंग। मुझे तो भरोसा ही नहीं होता अबू कि वही शाहिद है। फिरोजा बेटे, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि शाहिद के परिवार और हमारे परिवार के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन तुम नहीं मानी और मैं तुम्हारी जिद के आगे झुक गया। तुमने अपनी आधी जिंदगी लंदन में बिताई है, मैं सोचा करता था कि तुम कैसे एडजस्ट करोगी। वैसे तुम ही तो कहा करती थी आई विल एडजस्ट। कहा तो था अबू, और एडजस्ट ही तो कर रही हूं, लेकिन अबू घर की चार दीवारी में घुटन होती है, नहीं समझ में आता कि क्या करूं। अबू मैं सोच रही थी कि अगर आप शाहिद से बात करें कि वो मुझे जॉब करने दे। नहीं बेटा, ये तुम्हारा जाती मसला है और इस मसले में मेरा दखल अंदाजी करना ठीक नहीं रहेगा। तुम शाहिद से बात करो। बेटे मैं अगर तुम दोनों के जाती मसले में दखलंदाजी करूंगा, शायद शाहिद को ये मेरी बात नागवार गुजरे। मैं कुछ ही सेकंड में समझ गया था कि फिरोजा अपने अबू की शह पाकर नौकरी के नाम पर हंगामा कर सकती है और सूरत हाल संगीन हो सकते हैं। इसलिए मैं उस दिन उसे शॉपिंग पर ले गया, मूवी दिखाई, ताकि उसके अबू की बात उसके जहन से उतर सके। मगर उसकी चाहत जड़े पकड़ चुकी थी, यह बात मैं समझ गया था, क्योंकि चुप रहकर उसने अपनी नाराजगी दिखानी शुरू कर दी थी। मुझे यह तब मालूम हुआ जब तबस्सुम हमारे घर रहने आई। अच्छा, तो क्या हुआ था तबस्सुम के साथ? मैडम की तबीयत खराब हो गई अचानक, सिर दर्द था, पूरा दिन कमरे में रही, बाहर तक नहीं निकली। हाँ तो तबीयत खराब भी तो हो सकती है, चलो मान लिया नखरे दिखा रही थी, पर आपने क्या किया? मुझे लगा कि मुझे उसको प्यार से समझाना चाहिए और मैंने समझाया, इसलिए तो उस दिन उसकी नाजायज बात तक मान गया। मैंने सोचा कि कभी कभी आदमी को कंप्रोमाइज भी कर लेना चाहिए। अब कैसी तबीयत है बेगम? ऐसी ही, कुछ
ठीक नहीं। अरे हाँ बेगम, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, कल तुम्हारे अब्बू से बात हुई थी। अब्बू से बात हुई थी? क्या बात हुई थी? कुछ नहीं। बात हुई थी फिर भी कुछ नहीं? उन्होंने मुझे कुछ कहा। क्या कहा वही तो पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी बेगम की तबीयत खराब हो तो तुम उससे सिर्फ इतना कहना कि मैं तुम्हें जॉब करने की इजाजत देता हूँ, उसकी तबीयत फौरन ठीक हो जाएगी। क्या? लेकिन अब्बू से मुलाकात कहाँ हुई तुम्हारी? ख्यालों में। मतलब कि तुमने भाभी को जॉब करने की इजाजत दे दी? यार इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं समझा नहीं, थोड़ा थोड़ा तफसील से बताओ ना। यार मैंने सोचा कि फिरोजा खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगी, पर हमारे दरमियान बढ़ते हुए झगड़े और उसकी उदासी, घर पे एक अजीब किस्म की मनुष्यत सी फैलती जा रही थी। मैंने सोचा कहीं हमारा रिश्ता ही खत्म ना हो जाए तो मैं ही एडजस्ट कर लूं, वरना कहीं अब तो वो मेरी बुराई अपने अब्बू से करने लगी थी। उसे अच्छे से पता था कि उसका जॉब करना मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो वो फिर भी जॉब करने के लिए एकदम से तैयार हो गई। इन्हीं सब बातों से धीरे धीरे मेरे दिल में उसके लिए प्यार कम होने लगा। खैर अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे इजाजत दे देने के बाद उसने कहीं जॉब शुरू करी? हाँ, और मेरे हाँ बोलते ही उसे जॉब भी मिल गई। Come on, फिरोज़ काबिल लड़की, उसको जॉब तो मिलनी थी। जॉब ज्वाइन करने के बाद वो तो बिल्कुल बदल सी गई थी, जहां उसका चेहरा हर वक्त मुरझाया हुआ उदास सा नजर आता था और वही चेहरा जॉब करने के बाद एकदम से मुस्कुराता हुआ नजर आया। हालांकि इस बात से मुझे काफी सुकून मिला, मगर अब मुझे ऐसा एहसास होने लगा था कि जैसे उसे अब मेरी जरूरत नहीं है। अरे तो फिर प्रॉब्लम किस बात पर शुरू हुई? वो एक कोट है ना कि जब कोई इंसान सोचता है कि उसकी खुशी का प्याला भर गया, ठीक उसी वक्त किसी की कोहनी उस प्याले को छलका देती है। तो आपकी खुशी को किसने कोहनी मार दी? वही जिसका डर था। कौन? ऑफिस का एक कुलीग। मुझे अच्छे से पता था कि ऑफिस में हर तरीके के इंसान होते हैं, सिर्फ इसलिए मैं उसे ऑफिस में काम करना नहीं अलाउ कर रहा था। ऐसी क्या बात हो गई? सारी बातें छोटी छोटी ही होती हैं शुरुआत में, और हमारी मुसीबत की शुरुआत भी बस छोटी छोटी बातों से हुई। पहले तो फिरोजा कभी कभी ऑफिस से देर से आया करती थी, फिर अक्सर देर से आने लगी, और उसकी इसी बात से मैं एलर्जिक था। अच्छा तो फिर तूने बात करी फिरोजा से? हाँ मैंने बात की, ठंडे तरीके से बात की, अच्छे मूड में बात की, सरसरी तौर पर। So, how was your day? देखो फिरोजा, तुम्हें तकरीबन 7 से 8 महीने हो गए हैं जॉब करते हुए। करीब 8 महीने हो गए, क्यों? मैं सोच रहा था कि अब तुम जॉब में भी सेटल हो गई हो, और तकरीबन 1 साल हमारी शादी को भी होने को आया, अब हमें फैमिली शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। प्लीज शायद अभी नहीं, कम से कम 1 साल और नहीं। अरे पिछले साल भी तुमने यही कहा था, अब फिर यही कह रही हो, ये बात ठीक नहीं है। शायद अभी मैं थोड़े टाइम और आजाद रहना चाहती हूँ। अच्छा जॉब ज्वाइन कर तो लिया तुमने, फिर किस चीज की आजादी चाहिए?
आने जाने की, घूमने फिरने की, और फिर अगर एक बार प्रेग्नेंट हो गई तो लाइफ कितनी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। फिरोजा, क्या ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां मां नहीं बनती? फिजिकल रिस्ट्रिक्शन तो हो ही जाएगा ना। देखो फिरोजा, हमारी उम्र बढ़ते जा रही है, अरे 30 साल के बाद वैसे भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। शायद वैसे भी मुझे 30 साल का होने में 2-3 साल बाकी हैं। देखो पहले तो ये श्योर नहीं है कि जब हम चाहेंगे तभी प्रेगनेंसी हो जाएगी, और फिर हमें और बच्चे भी तो चाहिए। और बच्चे? हाँ, तकरीबन 2-3 तो चाहिए। वी शुड स्टार्ट अर्ली। ठीक है, सोचूंगी। उस रात मुझे दिल से फिरोजा पर बहुत गुस्सा आया, पर न जाने क्यों मैं गुस्से को पी गया। शायद इसलिए कि मैं फिरोजा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। शायद यार मुझे तेरे बात करने के अंदाज से लगता है कि तुझे इनसिक्योरिटी भी हो गई थी। तब नहीं, पर हां बाद में जरूर हो गई थी। इनसिक्योरिटी किस बात को लेकर? मर्दों में इनसिक्योरिटी की एक ही वजह होती है, बीवी। What? उसके देर से आने की वजह से इनसिक्योरिटी हो गई थी। जिस दिन भी रात को फिरोजा देर से आती थी, मैं पूरी रात सो नहीं पाता था। उससे बात करने का मन होता भी था और बात करने का मन नहीं भी होता था। मेरी जिंदगी जैसे बेकार हो चली थी। और एक वाक्य के बाद मेरे दिल का शक यकीन में तब्दील हो गया। 3 रोज पहले फिरोजा किचन में थी और उसका मोबाइल मेरे पास ही पड़ा था। अरे बेगम, कहाँ मसरूफ हो गई आप? अरे तुम्हारे दीदार के लिए हम और तुम्हारी ये चाय दोनों ठंडे हो गए, कहाँ हो? बेगम तुम्हारा फोन। इरशाद कॉलिंग? मेरा फोन है। हेलो। हाँ इरशाद, इस टाइम कैसे फोन किया तुमने? हाँ हाँ, मिलना तो है, ऑफिस के बाद मिलते हैं। हाँ वहीं पर। शुक्रिया इरशाद, बहुत अच्छे हो तुम। थैंक यू सो मच। उसे हंस हंस के बात करता हुआ देख मेरे तन बदन में आग से सुलग गई थी। और वो वक्त था कि जब मुझे एहसास हो चला था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। फिर क्या किया तूने? उस दिन का इंतजार। अगले दिन बहुत खिंची खिंची सी रही मैडम। फोन के अगले दिन यानी परसों मैं घर जल्दी आ गया और घड़ी देखता रहा। हेलो।
अरे शाहिद, आज जल्दी घर आ गए? बस आ गया जल्दी, बाय चांस, जैसे तुम देर से आई, बाय चांस। मैं बाय चांस? कैसी बात कर रहे हो शाहिद? नहीं, मुझे मालूम है कि तुम बाय चांस देर से नहीं आई। क्या कह रहे हो शाहिद? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुप रहो, बकवास बंद करो अपनी। क्या बात है शाहिद, इतना गुस्से में क्यों? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। देखो, तुम्हारा कल से नौकरी पे जाना बंद। नौकरी पे जाना बंद? क्यों? बस मैंने कह दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। आखिर बात क्या है शायद, बताओगे मुझे? जानबूझकर अनजान मत बनो फिरोजा। मुझे अच्छे से पता है कि तुम नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहती। अच्छा, तो मैं भी तो सुनूं, क्या पता चल गया है तुम्हें? मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम जैसों के दफ्तर में क्या क्या गुल खिलाए जाते हैं। शायद शक कर रहे हो तुम मुझ पे? शक नहीं कर, इल्जाम लगा रहा हूं तुम पर। पता नहीं मैंने तुम्हारे जैसी गिरी हुई बदजात लड़की से शादी क्यों की। ठीक है शायद, अगर हमारे इस रिश्ते में एतबार ही नहीं है तो ठीक है, मैं तुम्हारे इस घर से चली जाती हूँ, आज ही चली जाती हूँ। हाँ हाँ, चली जाओ, मुझे भी तुम्हारी जैसी लड़की की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम निहायत ही घटिया सोच के इंसान हो। चिल्लाओ मत फिरोजा। क्यों, सच बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? मेरी सोच तुम्हारे लिए बिल्कुल गलत थी, तुम निहायत ही बददिमाग और धकियानुसी सोच के इंसान हो जो औरत को सिर्फ अपने पांव की चूती समझता है। अच्छा, मैंने सच कहा तो गाली गलौज पे उतराई? सच ही तो नहीं कहा तुमने? कहो, सच कहो। अच्छा, तुम इरशाद के साथ नहीं थी? जो औरतें शादीशुदा होने के बावजूद देर रात तक घर नहीं पहुंचती, उनकी जासूसी कराना निहायत ही जरूरी हो जाता है। बहुत शौक है ना तुम्हें, बहुत शौक है ना जासूसी करवाने का, तो अपनी बहन तबस्सुम की भी जासूसी शुरू करवा दो, वो भी बाहर रहती है। बदतमीज, मेरी बहन का पाक नाम तेरी जवान पे आया भी कैसे? आपने ठीक नहीं किया यार, बीवी पर हाथ उठाना मुझे लगता है 21वीं सदी की सबसे घटिया हरकत है। माना कि वो 8:30 बजे तक इरशाद के साथ थी, पर वो उसके साथ क्या कर रही थी,
क्यों थी, उसके साथ कौन था, आपने ये जानने की कोशिश की? तो मालूम ही था और वो मान भी तो गई। अगर मैं उससे प्यार ना करता होता ना तो शायद मैं उसे जान से मार डालता। एक्सप्लेन करने का मौका दिया आपने उसको। भाईजान एक बात बताइए, क्या आप ऑफिस में किसी फीमेल कलीग से बात नहीं करते या आपकी किसी फीमेल कलीग से दोस्ती नहीं है? भाईजान आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ वो तो सबकी होती है, मगर होती है ना, तो अगर ऑफिस में किसी को कोई मुश्किल आ जाए या किसी कलीग के कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, तो बताइए कि आप जाएंगे कि नहीं? जाएंगे ना, अटेंड करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, मगर मुश्किल दो दिन पहले फोन या अपॉइंटमेंट फिक्स करके नहीं आती। भाई साहब आप सिर्फ शक के शिकार हैं, तो मुझे अफसोस है कि आप मेरी फ्रेंड को समझ नहीं सके, और अफसोस कि मैंने भी आपको समझने में गलती कर दी। हाँ भाभी आपकी दोस्त है ना, वो बिल्कुल पाक साफ है, बस मैं ही बेवकूफ हूं। भाभी आपको अपने दोस्त पर तो यकीन है, मगर मैंने जो देखा उसके दर्द का एहसास तक नहीं है आपको। उस दिन मैं बहुत देर तक सोचता रहा अपनी और फिरोजा के साथ बिताई हुई जिंदगी के बारे में। शायद मैं सोचता हूँ यार कि तुझे फिरोजा से साफ साफ इस बारे में बात करनी चाहिए थी। ये मियाँ बीवी में लाजमी है, होता है, और ये दोनों का हक भी है और फर्ज भी है। मैं खोलता हूँ, बैठ। अरे तब्बू कैसे कैसे बगैर बताए कैसे आना हुआ? भाईजान तब्बू सोहेल से कोई बात हुई? तब्बू मुझे खुलकर बताओ आखिर बात क्या हुई? भाईजान सोहेल ने मुझ पे हाथ उठाया, भाईजान अब मैं लौट कर नहीं जाऊंगी। क्या सोहेल ने तुम पर हाथ उठाया? हाँ भाईजान, अब वो मुझे प्यार नहीं करते, उन्हें मेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तब्बू तुम मुझे आराम से खुलकर बताओ कि बात क्या हुई आखिर? जन आज सुबह दफ्तर से जल्दी वापस आ गए, मानो मुझ पे शक कर रहे हो। मैं तो दस्तूरन बाजार ही गई हुई थी, और जब मैं लौट के आई ही गॉट वेरी एंग्री और उसने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की। भाईजान मैं तब के तब घर छोड़ के आ गई और अब मैं वापस नहीं जा। भाईजान सोहेल ने आपको भी फोन मिलाने की बहुत कोशिश की, पर आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे भाईजान? देखो तब्बू कभी कभी ऐसा हो जाता है, मगर फिर भी तुम्हें घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैं कौन सा आना चाहती थी भाईजान, पर हालात ही ऐसे थे कि मैं। तब्बू डोंट वरी, मैं अभी सोहेल से मिलकर आता हूँ, ठीक है? फिरोजा भाभी कहाँ है? वो कुछ दिनों के लिए अपने अब्बू के यहाँ गई है। अच्छा रजिया तब्बू को अंदर ले जाओ। चल पहले तसल्ली से बैठ फिर बातें करते हैं। हाँ चलो पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अरे नहीं नहीं कुछ छोटी मोटी बात है, मैं सोहेल को जानता हूँ, इज अ गुड गाय, तू टेंशन मत ले। तौफीक तुम एक काम करो, तुम तब्बू और भाभी के पास बैठो, मैं अभी सोहेल से मिलकर आता हूँ। ठीक है ठीक है। आई शाहिद भाई जी, बैठिए जी। क्या लेंगे जी? शुक्रिया सोहेल भाई, लगता है कि तब्बू कुछ नाराज होकर मेरे यहां चली आई है। नहीं शाहिद, वो ये घर छोड़कर चली गई है। आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं सोहेल भाई। खामखा? आप इसे खामखा नाराज होना कहते हैं?
वो ये घर छोड़कर चली गई और आप कह रहे हैं कि मैं खामखा नाराज हो रहा हूं। आपको ये नजर नहीं आता कि वो खामखा ये घर छोड़कर चली गई? आप मुझे बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था? शायद देखो, ऑफिस में हर कोई लेट हो जाता है, फॉर श्योर तुम भी लेट हो जाते होगे। अब अगर मैं ऑफिस से 4 दिन लेट आऊं तो उसके अंदर वो शक का कीड़ा कुलबुलाने लगता है। 2 दिन और लेट आऊं तो उसका वो शक यकीन में बदलने लगता है और वो रोज शाम को 6 बजे के बाद हर आधे घंटे में फोन करने लगती है। और अगर एक बार उसका फोन कॉल मुझसे मिस हो गया तो उसका वो शक यकीन में बदल जाता है कि मेरा जरूर कहीं अफेयर चल रहा है। शायद एक शकी इंसान के साथ जिंदगी गुजारना जहन्नुम में रहने के बराबर होता है। शायद मियां, बिना सबूत अपने पार्टनर पर शक करना एक जुर्म है। पर सोहेल भाई, तब्बू तो कह रही थी कि आप उस पर शक कर रहे हैं। शायद तुम अपनी बहन का इलाज कराओ, एक शकी इंसान कुछ भी सोच लेता है। देखिए सोहेल भाई, शक कभी ना कभी हर कोई कर बैठता है। आप बेफिक्र रहिए, मैं समझाऊंगा उसे। शायद कितनी जगह पे समझाओगे, कल की बात ही लो। मैं थका हुआ ऑफिस से आया, सोना चाह रहा था तो मैडम लगी रोने। इससे पहले मैं कुछ कह पाता, कहने लगी लगता है मुझे कि आपको अब मेरी ज़रूरत नहीं। और फिर सवाल उठ गया कि प्यार नहीं किया था तो शादी क्यों की, और आखिर में कहीं तुम्हारा किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा? एक शकी इंसान अपनी जिंदगी में तो जहर घोलता ही है, साथ ही साथ अपने पार्टनर की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी खराब कर देता है। पर सोहेल भाई, तब्बू तो कह रही थी कि आप उस पर शक कर रहे हैं। शायद तुम अपनी बहन का इलाज कराओ, एक शकी इंसान कुछ भी सोच लेता है। देखिए सोहेल भाई, शक कभी ना कभी हर कोई कर बैठता है। आप बेफिक्र रहिए, मैं समझाऊंगा उसे। शायद कितनी जगह पे समझाओगे, एक शकी इंसान अपनी जिंदगी में तो जहर घोलता ही है, साथ ही साथ अपने पार्टनर की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी खराब कर देता है। भाईजान, ये जिंदगी में छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं। अगर उसने आप पर शक किया है तो शायद इसलिए किया होगा क्योंकि उसे उस वक्त के आपके हालात मालूम नहीं होंगे। अगर आप उसे समझा देते तो वो समझ जाती। शायद मियां, उस वक्त सुनता समझता कौन है, दिमाग में तो कुछ घुस ही नहीं रहा होता। अब अगर फिरोजा भाभी उस वक्त आपको कुछ समझा रही होती तो क्या आपके कुछ समझ में आता? पर सोहेल मियां, वो एक लड़की है, वो चाहती है कि उसका पति ये दिखाए कि वो उस पर कितना हक रखता है, उससे कितनी मोहब्बत करता है। जब वो घर छोड़ के जाने लगती है तो उसके दिल में बस यही चाहत होती है कि उसका शौहर आगे बढ़ के उसे रोक ले, जाने ना दे। तो क्या आपने उसे रोकने की कोशिश की? शाहिद भाई, जरूरत नहीं समझी। दिन भर तो वो घूमती रहती है, कभी किटी पार्टी तो कभी शॉपिंग। सुहेल मियां, वो कब तक 4 दीवारी में रहे? उसका भी दिल करता है कहीं घूमने का, फिरने का। जाए, जरूर जाए, पर कुछ कंस्ट्रक्टिव काम तो करे, जैसे फिरोजा भाभी करती हैं। कंस्ट्रक्टिव काम है जॉब करती हैं, ये नहीं कि दिन भर शॉपिंग और किटी पार्टीज। ऐसा नहीं है सोहेल भाई, अगर आपको लगता है कि उसका शक बेबुनियाद है तो आपको उसे असलियत समझानी चाहिए थी। अब शाहिद भाई, एक शकी इंसान सुनना समझना तो चाहता ही नहीं है, उसे तो यकीन होता है कि वो जो सोच रहा है, समझ रहा है, वही सही है। जिंदगी तो यकीन पर चलती है सोहेल मियां। शायद आप ठीक कह रहे हैं। आप मेरी खातिर उसे एक मौका और दे दीजिए, देखिए मैं समझाऊंगा उसे। ठीक है, आप उसे ले आइएगा। सोहेल भाई, औरत के जज्बात है ना, बहुत ही नाजुक होते हैं। आप खुद शाम को आइए और उसे ले जाइए।
ठीक है, मैं शाम को उसे लेने आ जाऊंगा। शुक्रिया। अच्छा सुहेल भाई, इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। शाहिद भाई, वैसे फिरोजा भाभी बहुत लकी हैं कि उन्हें आपके जैसा अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिला। शुक्रिया। देखता हूँ समझ आती है कि नहीं बात, रियलाइज करता है कि नहीं। मैं देखता हूँ। क्या रहा शायद? बात हो गई सुहेल से, वो शाम को घर आके सब्बू को साथ ले जाएगा। खुदा का लाख लाख शुक्रिया। चलो तब्बू की परेशानी तो सुलझ गई, शायद एक काम करो तुम जाके फिरोजा को ले आओ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे उसने मुझे धोखा दिया है। ऐसा आप सोच रहे भाईजान, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है इस बात का? क्या इतना प्रूफ काफी नहीं है कि मैंने उसकी फोन पे बात सुन ली थी? अच्छा ये बताओ कि वो मुझसे फोन क्यों छिपाती थी? अरे छुपा लिया होगा फोन, कुछ वजह रही होगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे तलाक दे दें। शायद ये क्या है? पेन है और क्या है? एक राइटर के लिए क्या है? उसकी रोजी रोटी शायद, यानी एक ही चीज को देखने के दो नजरिए। तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोल। शायद हम वो सोचते हैं जो हमारे जहन में होता है। ये तेरे लिए एक पेन है और शायद एक राइटर के लिए रोजी रोटी, और अनपढ़ के लिए शायद कुछ भी नहीं। हाँ तो मतलब कि तूने इरशाद का फोन आते देखा और तूने वो सोचा जो तेरी सोच है, और शायद तेरी सोच पर तेरे जाती तजुर्बों की छाप है। तू कहना क्या चाहता है तौफिक? क्या तुझे पूरा यकीन है कि फिरोजा का कैरेक्टर अच्छा नहीं? पूरा यकीन तो नहीं। क्या आपने उसे बोलने का मौका दिया था? नहीं भाभी, उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था। भाई जान, दो लोगों में गलत फहमियां तभी होती हैं जब आपस में बातचीत ना हो। क्या मतलब? मतलब कभी आपने पूछा कि वो इरशाद से क्यों मिली? पर वो इरशाद के साथ थी ही क्यों? अरे चलो, रही होगी कोई वजह। एक बात बताइए कि क्या आप कभी किसी अपने फीमेल कलीग के साथ रात 8:30 बजे तक नहीं रहे? शायद हाँ। तो फिर खुद को और फिरोजा को एक मौका तो दीजिए। हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, आप दूर हो गए हो। जितना मैं फिरोजा को जानती हूं, मुझे यकीन है जैसा आप सोचते हैं फिरोजा ऐसा सपने में भी नहीं कर सकती। और शायद ये सिचुएशन सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, कई घरों में आती है। मुझे अफसोस है कि हमारा माशरा बिजनेस मैनेजमेंट पर तो इतना जोर देता है और फैमिली मैनेजमेंट के लिए कोई कोर्स नहीं। वेरी ट्रू। भाईजान, जिंदगी में कभी इतना सख्त नहीं बनते कि खुद को खुद के लिए झुकना मुश्किल हो जाए। और शायद मियां, इतनी दूरियां मत आने दो कि दूरियां भरना मुश्किल हो जाए तुम्हारे लिए। देखिए, समझाना हमारा काम था, बाकी आपकी मर्जी। अब हम चलते हैं। थोड़ी देर और रुकते तो अच्छा लगता। फॉर्मेलिटी मत कर यार, बैठ। तू बैठ, बैठ उधर। आइए बैठे, मैंने छोड़ कर आती हूँ। जी आओ तो। बाय बाय।
तबू जी भाईजान, मैंने फिरोजा के साथ गलत किया ना? मुझे तो यही लगता है कि आपने गलत किया है। मैं फिरोजा को फोन करता हूं। हेलो, कैसे हो शाहिद बेटा? अबू सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू ये फोन आपके पास? हाँ, फिरोजा ये फोन मेरे पास ही छोड़ गई थी। मैंने सोचा तुमसे दो बातें ही कर लूं। बहुत अच्छा किया आपने। और कैसे हैं आप? हमारा क्या है बेटे, बच्चे खुश तो हम भी खुश। दरअसल मुझे आप ही से बात करनी थी। क्या बात है, कहो ना। अबू, मैं आपको एक तकलीफ दे रहा हूं। ना ना ना, तकलीफ कैसी? बच्चों के किसी भी काम से तकलीफ नहीं होती। तुम कहो क्या बात है। अबू, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फिरोजा को लेने आना चाहता हूं। तुम्हारी बीवी है भाई, जब मर्जी हो आकर के मिल लेना। और वैसे भी तुमने अब फोन कर ही दिया है, तो मैं शाम को उसे लेता आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अबू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपकी सोहेल से क्या बात हुई थी? हाँ, सोहेल तुम्हें आकर शाम को ले जाएगा। सोहेल मुझे लेने आएंगे और फिरोजा को छोड़ने उसके अबू आएंगे? अब ये क्या पार्शियलिटी हुई भला? हाँ, तुम ठीक कहती हो। ऐसा करते हैं कि मैं फिरोजा को लेने जा ही रहा हूँ, रास्ते में तुम्हें भी सुहेल के यहाँ छोड़ता जाऊंगा। तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तौफिक, क्या है ये सब? तुझे तो अच्छे से पता है कि किस हालात से गुजर रहा हूं मैं। मेरे यार का हैप्पी बर्थडे दोस्त, अच्छे से मनाएंगे यार। देख तौफिक, मैं फिरोजा को लेने जा रहा हूं और फिरोजा के बगैर इस बर्थडे का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। ठीक है। तबू, तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं फिरोजा को लेने जा रहा हूँ। रास्ते में तुम्हें सोहेल के यहाँ छोड़ता जाऊंगा। पर भाईजान, मेरा सूटकेस तो खाली है। खाली है मतलब? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे सुहेल आके ले जाएंगे। आप फिरोजा को ले आइए। फिरोजा, आई एम सॉरी फिरोजा। अब मैं क्या कहूं तुमसे शायद? शायद हाँ, फिरोजा वापस आ जाओ। फिर अपने घर पे रहो। वही तना तनी शक करोगे मुझ पर, हाथ उठाओगे? बिल्कुल नहीं। हम मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
मुझे आकर ले जाओ। अभी आ रहा हूं फिरोजा, अभी आ रहा हूं। हैप्पी बर्थडे शाहिद। अच्छा हुआ सोहेल भाई तुम आ गए, मैं तो बस तब्बू को तुम्हारे पास ही। ओ, तो तुम्हें भी पता था? सबको पता था शाहिद, सबको पता था। सबको पता था? तो इसका मतलब तुम सब कहां जा रहे हो? अपना तोहफा तो लेते जाओ। क्या हो रहा है? मेरी तो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी बेटी यहाँ? हैप्पी बर्थडे चाचू। थैंक यू बेटा। बेटे, हम कश्मीर में हूँ और आपका बर्थडे हो और हम केक खाने ना आए, ये कैसे हो सकता है? बस एक बात बताओ शाहिद, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड को घर से बाहर निकाल दोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मेरी तो फिरोजा से उसी पल बात हो गई थी जब तुमने उसे घर से निकाला था। और एक बात और, तुमने गौर नहीं किया कि श्रीनगर आती है मुझे एकदम जॉब कैसे मिल गई? और तब्बू, तुम्हारा सूटकेस खाली कैसे था? भाईजान, जब मैंने घर छोड़ा ही नहीं तो भरा सूटकेस क्यों लेके आऊं भला? शाहिद, मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, इसे घर से निकालना तो दूर की बात, हम दोनों एक दूसरे पर शक करने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन तुम सब इकट्ठे कैसे हुए? ये प्लान किसका था? तौफीक का। ओ, तो तौफीक, ये तुम्हारा प्लान था? कल जब तुमने रजिया को घर से निकाला तो घर से निकलते ही रजिया ने फिरोजा को कॉल किया और उसे सब बता दिया, और हम कश्मीर आ ही रहे थे तो रजिया ने तब्बू को भी कॉल कर दिया। और शायद कश्मीर आकर वैसे तो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया, तो मैं सोहेल से मिला और फिर तुम्हें मैंने कॉल किया और तुमसे मिलने का प्लान बनाया। और हम समझ चुके थे कि तुम्हें शक के कीड़े ने काटा है और तुम्हारा जल्द से जल्द इलाज होना बहुत जरूरी है। अब तुम्हारी इस बेबुनियादी शक की वजह से हम फिरोजा जो एक महीने से इस पार्टी को प्लान कर रही थी उसे खराब तो नहीं कर सकते थे ना? तो पहले तो हमने अब्बू को तुम्हारे पास भेजा, फिर जब तुमने अब्बू को लौटा दिया तो फिर मैं और रजिया तुम्हारे पास आए तुमसे बात करने के लिए। शाहिद बेटा, मैंने तुम्हें जितना समझाना था समझाया और मैंने पूरी कोशिश भी की, पर तुमने मुझे उल्टे पांव वापस ही लौटा दिया। सॉरी अबू, मेरी गलती थी, मैं गलत था। सॉरी अभी कहां भाईजान, मैं चाहती हूं कि आप कुछ और बातें जान ले। ये पार्टी सारी
फिरोजा ने प्लान की है अब हर इनफैक्ट एक महीने से प्लान कर रही थी और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने अपने ऑफिस के 3 दोस्तों की मदद ली थी और जिस दिन आपने उसे घर से निकाला उस दिन वो 3 दोस्त और मैं और फिरोजा हम लोग आपका ये केक ऑर्डर कर रहे थे। शाहिद बेटा, रिश्तों के अपने दायरे होते हैं। अगर हम उन रिश्तों के दायरों में से बाहर जाएं, तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। पर शायद तुमने अब्बू को भी वापस लौटा दी और इस पर मेरे अब्बू ने कहा कि बेटे, दर्द की तकलीफ तभी समझ आती है जब खुद को चोट लगती है। और मैंने उसी वक्त तब्बू को तुम्हारे घर भेज दिया और तुमने इसकी परफॉर्मेंस तो देख ही ली। यानी अच्छी एक्टिंग करती हूँ ना मैं भाईजान। और जैसे ही आप भाभी जान को लेने जाने लगे, मैंने इन सबको फट से मैसेज कर दिया। मुझे माफ कर दो फिरोजा। शायद थे तुम ये ना समझो कि फिरोजा हमारी दोस्त है तो इसीलिए हमने उसकी तरफदारी की। मतलब हम इरशाद से मिलने गए क्योंकि सब कुछ जानने के बाद इरशाद से मिलना बहुत जरूरी था, तो तुम भी मिलो। हाँ, जरूर। इरशाद, इरशाद, इरशाद नहीं आइए, अरे जल्दी आइए, कहाँ छुपे हैं इरशाद नहीं, आइए आइए आइए। आदाब। लो मिल लो, ये है इरशाद। सर आदाब। आदाब। ये है। ओ, तो तुम इरशाद हो। शाहिद, इरशाद फिरोजा के ऑफिस में एक हेल्पर है। किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं ये मैं नहीं जानता। आप लोगों ने तो मुझे उस मोड़ से बचाया जहां शक की बिना पे लाखों घर बर्बाद हो जाते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका। चाचू केक खिलाकर। यस, केक खिलाकर। Happy birthday to you, happy birthday to your Shahid, happy birthday to you, God bless them, may God bless them, happy birthday to you, happy birthday to you. शायद बेटा। हैप्पी बर्थडे।